वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे कीमे का कोफ्ता। मैंने उसके लिए यहाँ पे लिया है अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा 9 से 10 पीस, 2 पीस में 2 चम्मच मैंने पोस्ते का दाना लिया है। हम अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, पोस्ते का दाना हम कीमे के साथ पीसेंगे। और मसाला पीसने के लिए मैंने लिया है, ग्राइंड करने के लिए अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ पे लिया है चने का सत्तू कीमे में डालने के लिए, हरी धनिया, लावा ये भी हम पीस कर डालेंगे, बुकी धनिया 2 चम्मच, टमाटर मैंने लिया हुआ है 2 पीस, आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्चा। देख सकते हैं मैंने इसमें पोस्ते का दाना, हरा मिर्चा, अदरक और लहसुन मैंने इसमें पीस दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चने का सत्तू, ये मैंने पैकेट वाला लिया है, खुला नहीं लिया है। हम इसमें थोड़ा सुवा धनिया ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड आप भी इस तरह कोफ्ता बनाइए, बहुत ही इजली बनता है, आपको, आपकी फैमिली को, गेस्ट को बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसको इस तरह राउंड करेंगे, गोल गोल। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसी तरह से सारे बनाएंगे। फ्रेंड मैंने इस तरीके से इसे राउंड पूरा कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे तेल में। मैंने यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी हम इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें इसको फ्राई करेंगे कोफ्ते को। फ्रेंड्स अब हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह से। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा ये फ्राई हो चुका है, हो रहा है, अभी थोड़ा बाकी है, जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसे निकाल देंगे प्लेट में। फ्रेंड हमारा ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया है, मैंने तेल को थोड़ा कम कर दिया है, हम उसी तेल पे बनाएंगे, तेल को वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी का दाना डाला है, 1/2 टेबल स्पून। फ्रेंड्स हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स अभी हम इसे थोड़ा भूनेंगे, भूनने के बाद फिर हम सारा मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स
हम इसमें डालेंगे तीखा मिर्चा लाल वाला, ये मैंने एवरेस्ट का लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने लिया है, ये भी मैंने एवरेस्ट का लिया है। दो चम्मच मैंने भूखी धनिया लिया है, ये भी मैंने एवरेस्ट का लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे। नमक मैंने लिया है स्वाद अनुसार। अब हम इन सारे मसाले को थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके तब हम इसे भूनेंगे। अब देख सकते हैं हम मसाले को 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसे थोड़ा देर रख देते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुने। फ्रेंड्स हम इसमें लावे का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स आप चाहे तो लावा पाउडर करके भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे लावा डालने के बाद थोड़ा और भूनेंगे। फ्रेंड्स जब अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा और मसाला जब हमारा भुन जाएगा तब हम इसमें लावे का पेस्ट डालेंगे, फिर हम उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे भून रही हूँ। फ्रेंड लावा डालने से और मखाना डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से बनती है। फ्रेंड्स अब हम इसमें दो चम्मच एक चम्मच देसी घी का डालेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हम इसमें एक चुटकी गरम मसाला का डालेंगे। फ्रेंड्स हमारा मसाला भुन चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से भुन लिया है मैंने। अब हम इसमें कोफ्ता डालेंगे कबाब। फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। अब हम इसमें थोड़ा देर पकने देंगे मिक्स करके, छोड़ देंगे इसे थोड़ा धीरे आंच पे। थोड़ा हम इसे पकने देंगे। एंड अब हम इसमें कसूरी मेथी का ऐड करेंगे, थोड़ा हरी धनिया और सोया की पत्ती डालेंगे। फ्रेंड्स हमारा करी कोफ्ता रेडी हो गया है, अब हम इसे बाउल में निकालेंगे सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने मटन कोफ्ते को सर्व करने के लिए बाउल में मैंने निकाल लिया था। मैंने हरी धनिया और सोए की पत्ती डाल दी है। अगर आपको हमारी
कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।